तो गाइस वेलकम फ्रॉम हिमांशु दत्ता। सो फिलहाल जो मार्केट के हाल चाल है, तो यहाँ पर C7 को लेके, C7+ है शायद ये, हाँ C7+ को लेके मार्केट में बहुत ही मारामारी मच गई है। यानी कि C7 Pro है शायद, हाँ C7 Pro को लेके बहुत ही मारामारी मच गई है, और हर यूट्यूबर अपने चैनल में ये वीडियो डाल रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना डालूँ, मैं भी डाल लेता हूँ, तो मैंने अपना ये वीडियो शूट कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे C7 के बारे में, C7 Pro के बारे में, और मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो पहले इसके लुक की बात करते हैं। तो लुक आपको खतरनाक मिल रही है, लुक आपको खतरनाक मिल रही है, आप देख सकते हैं एकदम फुल मेटलिक बॉडी, और पीछे वाला जो ये लुक है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कोई भी आपको, ये जो वेरिएंट है कोई भी आपको सिंगल गल में करते हैं। अगर आप बुक फ्रंट वाइट मिलेगा गोल्ड, तो फ्रंट वाइट। अगर आप ब्लैक बुक करते हैं तो आपको फ्रंट ब्लैक मिल जाएगा, डुअल बैक में और फ्रंट में शायद फ्लैश ही नहीं है, नहीं है। तो अभी चलते हैं स्पेक्स की तरफ, हमें पता चल जाएगा। तो मॉडल जो है इसका दो लिखा गया है, एक SM C7010Z। तो ये यहाँ पर शायद इंडिया के लिए है, तो हम इंडिया वाला पढ़ते हैं। तो फोन टाइप है स्मार्टफोन कैंडी बार है। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे गंदी बात लगी, ये फ़ोन कुछ आपको शायद शायद 37,000 या फिर 29, मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ 30-37 हज़ार के आसपास आपको मिलेगा। तो जब हमको पता चल गया कि अभी भाई शाओमी ने अपना नोगट अपडेट देना शुरू कर दिया है, लेनोवो ने करना देना शुरू कर दिया है, मोटरोला ने देना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हमें नोगट देने में क्या जाता है, वही कलर विज UI आपको मिलेगा शायद। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। सो थ्री कलर वेरियंट में मिलता है, रोज गोल्ड गोल्ड ब्लू। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि जो कलर आप बुक करेंगे आपको सिंगल में नहीं मिलेगा। सो इट्स अ फैबलेट डिवाइस, ये एक फैबलेट डिवाइस है। तो आपको यहाँ पर 5.7 इंच का जो डिस्प्ले मिलेगा फुल HD, और मेटलिक फुल बॉडी मेटलिक है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है आपको। पिक्सल डेंसिटी जो वो है 386 PPI, स्क्रीन टू बॉडी रेटियो है 74:33। तो बहुत ही कम रेटियो, यानी कि फासला बहुत ही कम है। तो डिस्प्ले फीचर कैपेसिटी मल्टी टच है, और रियर कैमरा 16 MP का आपको मिलता है। और अपर्चर की बात करें तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई सैमसंग ने हमारी जो आशाएं थी उसको पूरी कर दी, 1.9 अपर्चर दिया, 8 होता तो अच्छा होता, जितना मिले भाई वही इतना कम है हमारे लिए। सो यहाँ पर 1.9 अपर्चर का मिलता है, और हमें सबको पता है कि जितना अपर्चर कम होता है उतना कैमरा का जो क्लियरेंस है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो रियर वीडियो में आपको फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, और यहाँ पर डुअल LED फ्लैश है। फ्रंट में नहीं दिया गया है, फ्रंट कैमरा 16 MP का है। भाई ओप्पो अब सिर्फ आपके लिए पास नहीं है 16 MP, हमारे सैमसंग ने भी देना शुरू कर दिया है। 30 MP का फ्रंट कैमरा है, और यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं इसको मैं नहीं अभी बताऊंगा, आप लोग देख लीजिए, तो शायद आप लोग का देखना हो गया। तो मैं चलते हम चलते हार्डवेयर की तरफ। तो वो है क्वालकॉम का 626 MSM 8953 Pro, ऑक्टा कोर जो CPU है वो ऑक्टा कोर है, 2200 MHz का, 64 बिट आर्म का कोर, F53 आर्म वर्जन 8, और GPU जो है वो है क्वालकॉम का Adreno 506, और रैम है 4 GB की, स्टोरेज है 64 GB की, कमाल कर दिया। और नॉन रिन्यूएबल बैटरी है 3300 mAh की, और क्विक चार्ज आपको बंडल मिलेगा, यानी कि आपको क्विक चार्ज इसके बॉक्स के साथ ही मिलेगा क्विक चार्जर। तो ये एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी बात है सैमसंग की तरफ से। और CDMA सिम सपोर्ट करता है, और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं सेंसर भी इस बार सैमसंग ने बहुत सारे दे दिए भाई, प्रॉक्सिमिटी लाइट, क्लिमिटी कंपस, गायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट। गायरोस्कोप आपको मिलता है, यानी कि अगर आप इसमें अगर VR का एक्सपीरियंस ना भी मिले आपको तो भी आप कार्डबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और गायरोस्कोप में VR एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4.2 का ब्लूटूथ दिया गया, यानी कि आपका जो अगर आप JBL में कनेक्ट करके सुनते हैं या फिर हेडफोन में, तो ऑडियो क्लियरेंस बढ़िया मिलेगी। USB Type-C ज़रूर होगा, लेकिन वर्जन 2.0। तो ये क्या है भाई, तो आपको एक छोटा सा OTG की तरह मिलता है, जहाँ पर आपको जो केबल मिलता है वो शायद कुछ 2.0 होता है, और उस OTG की तरह पीछे जो माइक्रोएसबी का होता है उस केबल को अगर आप कनेक्ट कर दे तो ये C में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई 2.0 का ही अगर चार्जर है तो आप उसको भी इसमें कनेक्ट करके फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं।
तो NFC चलती है, ANT क्या है मुझे पता नहीं, चलती है FM रेडियो, यस 3.5 mm का हेडफोन जैक है, सीरियल नहीं है, और प्राइस यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, और मुझे जो लगता है वैसा ही प्राइस आपको मिलेगा। स्टोरेज भी कुछ नहीं है, रिव्यूज़ भी कुछ नहीं है। सो थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और लोग ये वीडियो को देख सके, इसलिए इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे नए नए फ़ोन्स के रिव्यूज़ और ऐसे ऐसे फर्स्ट लुक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।